नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर सावर से। जिन सुविधाओं के लोग का टोल टैक्स की अदायगी करनी पड़ती है, वह सुविधा ही जर्जर अवस्था में हो तो खर्च पे अफसोस होगा ही। सावर रोड पे आज ऐसे सुविधाओं के लिए लोग जेब ढीली करने के लिए मजबूर है। अजमेर कोटा राजमार्ग पर प्रतिदिन लाखों रुपए की वसूली टोल प्लाजा से होती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोगों को ठगा मिलता है। हालत यह है कि टोल देने के बावजूद ही इस मार्ग पर मौत के गड्ढों के बीच सफर करना पड़ता है। अजमेर कोटा राजमार्ग पर रोजाना सैकड़ों निकलते हैं। इस मार्ग पर गुलगांव के पास बस स्टैंड पर दो जगह बड़े व गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इन गड्ढों के चलते छोटे चार पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। टोल वसूली होने के बावजूद भी रोड की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है। कहने को तो ये सड़क राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इस रोड पे कुछ नहीं है, जिसके चलते लोगों को टोल टैक्स अदा करने के बावजूद भी खतरों का सफर इस मार्ग पे करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब इस रोड पे टोल नहीं लिया जाता तो सुविधाओं का ख्याल समझ सकते थे, लेकिन जब इस रोड पे टोल लिया जाता है तो सुविधाओं का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है। इस टोल पे ना तो कोई एम्बुलेंस व्यवस्था है, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। वाहन चालकों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी होना पड़ता है। उसके बावजूद भी टोल वसूली का खेल लगातार जारी।